कार दोस्तों, एपेक्स स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो मिनरल के क्लासिफिकेशन है उसके बारे में स्टडी की थी। तो वहाँ पे अपन ने ओरिजिन के बेसिस पे जो उसका क्लासिफिकेशन था, प्राइमरी और सेकेंडरी मिनरल्स, उनको डिटेल में पढ़ा था। आज अपन उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आगे उसके क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। तो जो मिनरल का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। तो केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे अगर अपन बात करते हैं मिनरल्स की, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। जैसे अपन बात करें हेमाटाइट, या अपन बात करते हैं किसी भी आयरन कंटेनिंग कंपाउंड जैसे Fe2O3। तो यहाँ पे दो एलिमेंट है, आयरन और ऑक्सीजन। तो यही किसका केमिकल कंपोजिशन कहलाता है कि एलिमेंटल लेवल पर ये किससे बना हुआ है, उसी के बेसिस पे यहाँ पे अपन ने मिनरल को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड मिनरल्स। देखो, ऑक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है हाइड्रोक्सिल आयन। तो ऐसे मिनरल जिसमें या तो ऑक्सीजन आयन प्रेजेंट होता है या फिर हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट होता है, क्या कहलाते हैं? ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड मिनरल कहलाते हैं। जैसे अगर अपन बात करें, इसमें आता है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज का फॉर्मूला आता है SiO2। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप नॉर्मली बता सकते हो कि कौन सा ऑक्साइड कैटेगरी में आएगा, कौन सा हाइड्रोक्साइड कैटेगरी में आएगा, या कौन से कैटेगरी में कौन आएगा। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑक्साइड कैटेगरी का आ गया, तो ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड कैटेगरी में आ सकते। ऐसे अपन बात करें जैसे लिमोनाइट। लिमोनाइट का फॉर्मूला आता है FeOOH.NH2O। तो यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन आयन भी प्रेजेंट है और हाइड्रोक्सिल आयन भी प्रेजेंट है। तो इस टाइप के मिनरल किस कौन से कैटेगरी में आएंगे, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। जैसे हेमेटाइट हो गया Fe2O3। तो यहाँ पे भी क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये भी कौन से कैटेगरी में आ गया, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कैटेगरी में। वहीं पे अगर अपन बात करते हैं, देखो सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो है कार्बोनेट। तो कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3 2 माइनस। ऐसे मिनरल जहाँ पे कार्बोनेट या CO3 2 माइनस प्रेजेंट हो, वो क्या कहलाएगा, कार्बोनेट कैटेगरी के अंदर काउंट होगा। जैसे अपन बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये कार्बोनेट कैटेगरी का एग्जाम्पल हो सकता है। ऐसे अपन बात करते हैं डोलोमाइट CaCO3.MgCO3। तो यहाँ पे देखो कार्बोनेट प्रेजेंट है, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, कार्बोनेट कैटेगरी में आ जाएगा। तो अपन बात कर सकते हैं केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे अगर आपको मिनरल्स के फॉर्मूले रिमेम्बर है, याद है आपको, तो आप इजीली बता सकते हो कि कौन से कैटेगरी के अंदर आएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं जैसे सल्फेट। सल्फेट होता है SO4 2 माइनस। तो ऐसा कोई भी मिनरल जिसमें SO4 2 माइनस ग्रुप प्रेजेंट है वो सल्फेट कैटेगरी में आएगा। जैसे जिप्सम हो गया CaSO4.2H2O। तो यहाँ पे ये केस में कौन से कैटेगरी में आ गया, सल्फेट कैटेगरी में। रीजन क्या है कि यहाँ पे सल्फेट आयन SO4 2 माइनस प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं सल्फाइड, तो सल्फाइड कैटेगरी का मतलब हो गया जहाँ पे एलिमेंटल सल्फर के बारे में बात किया जाता है। मेनली जो पायराइट होते हैं वो इसमें आते हैं, जैसे कॉपर पायराइटीज, आयरन पायराइटीज। तो ये सारे कौन से सल्फाइड ग्रुप के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो आपके आते हैं सिलिकेट क्ले। देखो सिलिकेट ग्रुप या सिलिकेट क्ले ग्रुप अपन ने लास्ट टाइम पे भी पढ़ा था, जो 1-1 टाइप या फिर 2-1 टाइप के जो भी मिनरल्स होते हैं वो सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जांपल फेल्सफार हो गया, माइका हो गई, इलाइट हो गया, ये सारे कौन से में कैटेगरी में आएंगे, सिलिकेट कैटेगरी में आएंगे। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट न्यूट्रेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो न्यूट्रेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे फॉस्फोरस ग्रुप के लिए, तो फॉस्फोरस ग्रुप के लिए आ गया अपने पास में एपेटाइट। ऐसे पोटेशियम ग्रुप के लिए अपने पास में आ गया ऑर्थोक्लेज, या फिर अपन बात कर सकते हैं फेल्सपार ग्रुप। तो यहाँ पे अपने पास मेन कैटेगरी, देखो यहाँ पे अपन पास और भी कैटेगरी है वो अपन बाद में पढ़ेंगे, पर पहले इनको एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। देखो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कैटेगरी में क्या होगा, या तो ऑक्सीजन आयन प्रेजेंट होगा या फिर हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे अपन ने पढ़ लिया जैसे
क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज का फॉर्मूला हो गया SiO2, ऑक्सीजन आयन प्रेजेंट है, जैसे अपन ने पढ़ गया लिमोनाइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, सब में या तो ऑक्सीजन आयन प्रेजेंट होगा या हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट होगा, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कैटेगरी में आ जाएंगे। कार्बोनेट में कार्बोनेट प्रेजेंट होगा, जैसे केल्साइट या कैल्शियम कार्बोनेट और डोलोमाइट हो गया। इसके अलावा सल्फेट में SO42- फॉर्म में प्रेजेंट हो गया, फॉर एग्जाम्पल जिप्सम। इसके अलावा सल्फाइड कैटेगरी में क्या हो गया, कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट प्रेजेंट होता है, ऐसे अपन ने पढ़ लिया। सिलिकेट कैटेगरी में क्या होगा, आपके 1-1 और 2-1 टाइप के जो सिलिकेट होते हैं वो सारे इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। और नेक्स्ट अपन ने पढ़ लिया न्यूट्रेंट पोटोविसेस फॉस्फोरस के लिए, और एपेटाइट हो गया पोटेशियम के लिए, ऑर्थोक्लेसिया फेल्सपार ग्रुप हो गया। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं इनके अलावा जो ग्रुप है, जैसे हेलाइड हो गया, हेलाइड के अंदर क्या होते हैं, जनरली सॉल्ट होते हैं, जैसे नमक हो गया, NaCl हो गया, तो यहाँ पे ये सारे कौन से कैटेगरी में आ जाएंगे, हेलाइड के अंदर आ जाएंगे जो भी सॉल्ट होते हैं। अब देखो यहाँ पे इन सभी कैटेगरी से एक अलग कैटेगरी भी होती है जिनको अपन बोलते हैं नेटिव एलिमेंट या नेटिव ग्रुप। देखो यहाँ पे अपन ने पढ़ा था, मैं जहाँ मिनरल्स की डेफिनेशन पढ़ी थी वहां पे अपन ने पढ़ा था कि मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग इन ऑर्गेनिक और होमोजीनियस सब्सटेंस हैविंग अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड करेक्टरिस्टिक जियोमेट्रिक फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में मिलकर एक होमोजीनियस सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, उस सब्सटेंस को ही अपन ने क्या बोला था, मिनरल बोला था। मतलब यहाँ पे देखो हर जगह दो एलिमेंट थे, जैसे ऑक्साइड में क्या हुआ, सिलिका ऑक्सीजन कंबाइन है, आयरन ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल आयन कंबाइन है, यहाँ पे कैल्शियम और कार्बोनेट कंबाइन है, यहाँ कैल्शियम और सल्फेट कंबाइन है, यहाँ कॉपर और सल्फर कंबाइन है, ऐसे क्या होगा, हर किसी के अंदर क्या होगा, कोई ना कोई आयन कंबाइन होते। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जो खुद इंडिविजुअल एज ए मिनरल का वर्क करते हैं, जो मिनरल की डेफिनेशन को कंप्लीटली सेटिस्फाई तो नहीं करते लेकिन फिर भी इनको मिनरल कहा जाता है, वो सारे नेटिव कैटेगरी में आते हैं। जैसे सोना हो गया, AU हो गया, जैसे कॉपर हो गया, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे क्या होते हैं, नेटिव फॉर्म में भी एज ए मिनरल का वर्क करते हैं। तो ये सारे कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे, नेटिव कैटेगरी में आ जाएंगे। तो अपन ने मेजर 8 कैटेगरी पढ़ ली, कौन सी, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड हो गया, कार्बोनेट हो गया जहाँ कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, सल्फेट हो गया, सल्फाइट हो गया, सिलिकेट हो गया, न्यूट्रेंट हो गए, हेलाइड हो गया और नेटिव एलिमेंट हो गया। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की। तो देखो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है स्पेसिफिक ग्रेविटी के बेसिस पे। स्पेसिफिक ग्रेविटी के बेसिस पे जो मिनरल्स होते हैं इनको मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, लाइट मिनरल और हेवी मिनरल। लाइट मिनरल को इसको कहेंगे, लाइट का मतलब देखो हल्का होता है, तो ऐसे मिनरल जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है उनको लाइट मिनरल कहा जाता है, और जिनकी ज्यादा होती है उनको हेवी मिनरल कहा जाता है। लेकिन हर किसी के लिए कुछ क्राइटेरिया फिक्स होते हैं जिनके बेसिस पे इनको लाइट कहेंगे या हेवी कहेंगे। देखो लाइट मिनरल का मतलब जो हल्का होता है उसको लाइट मिनरल कहेंगे, लेकिन कितना हल्का होगा तब उसको लाइट कहेंगे या कितना भारी होगा तब उसको हेवी मिनरल कहेंगे। तो यहाँ पे इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी के बेसिस पे इनको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ऐसे मिनरल जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.85 से ज़्यादा होती है उनको क्या कहा जाता है, सॉरी 2.85 से कम होती है उनको लाइट मिनरल कहा जाता है, और जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.85 से ज़्यादा होती है उनको क्या कहा जाता है, हेवी मिनरल कहा जाता है। वहीं पे अपन बात करते हैं जो यूनिट होती है वो ग्राम पर सीसी होती है दोनों की ही। तो अपन बोल सकते हैं कि ऐसे मिनरल जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.85 ग्राम पर सीसी से कम होती है लाइट मिनरल, और 2.85 ग्राम पर सीसी से ज़्यादा होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हेवी मिनरल कहलाते हैं। तो इन जनरल जो सारे प्राइमरी मिनरल अपन ने पढ़े थे, जैसे फेल्सपार हो गया या क्वार्ट्ज हो गया, इन सब की स्पेसिफिक ग्रेविटी नियरली अबाउट 2.6 के आसपास होती है। तो 2.6 ग्राम पर सीसी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये 2.85 से कम है, तो ये सारे किसमें आ जाते हैं, लाइट मिनरल में। वहीं पे जो आयरन से रिलेटेड मिनरल होते हैं वो सारे किस कैटेगरी में आते हैं, हेवी मिनरल की कैटेगरी में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हेमेटाइट हो गया, हेमेटाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी नियरली अबाउट 5.3 ग्राम पर सीसी होती है, जो 2.85 ग्राम पर सीसी से ज़्यादा है, तो इसलिए अपन बोल सकते हैं
कि हेमेटाइट एक हेवी मिनरल है, ऐसे ही पायराइटीज होता है, इसकी होती है 5 ग्राम पर सीसी। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि पायराइटीज हो चाहे हेमेटाइट हो, ये सारे क्या हैं, आयरन से रिलेटेड मिनरल है। तो आयरन से रिलेटेड जो भी मिनरल होते हैं जनरली हेवी कैटेगरी में आते हैं, प्राइमरी मिनरल जनरली लाइट कैटेगरी में आते हैं। तो अपन ने पढ़ लिया कि लाइट कैटेगरी में आने वाले मिनरल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.85 ग्राम पर सीसी से कम होती है, और हेवी मिनरल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.85 ग्राम पर सीसी से ज़्यादा होती है। अगर अपन बात करते हैं हेवी मिनरल, तो यहाँ पे आयरन से रिलेटेड आते हैं, और लाइट मिनरल में प्राइमरी मिनरल आते हैं जैसे फेल्सपार, क्वार्ट्ज और माइका होगी। इन सब की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो नियरली अबाउट 2.6 ग्राम पर सीसी होती है, जो 2.85 से कम होती है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के बेस पर जाते हैं, तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ वेदरिंग। तो वेदरिंग के बेसिस पे अगर अपन बात करते हैं, तो वेदरिंग के बेसिस पे जो मिनरल होते हैं उनको मेनली कितनी कैटेगरी, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। 3 कैटेगरी कौन कौन सी है, देखो सबसे पहले होती है अपन बोलते हैं इजी वेदरेबल, फिर होती है मॉडरेटली वेदरेबल, और फिर होती है हार्ड वेदरेबल। देखो इजी वेदरेबल मतलब ऐसे मिनरल जो सॉफ्ट होते हैं, इजीली वेदर्ड हो जाते हैं, यानी बहुत कम समय में क्या होता है वेदरिंग इनकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, क्या कहलाते हैं इजी वेदरेबल कहलाते हैं। वहीं पे हार्ड वेदरेबल ऐसे मिनरल होते हैं जिनकी वेदरिंग क्या होती है जल्दी से कंप्लीट नहीं होती, बहुत लंबा टाइम या लॉन्ग टाइम लेते हैं, यानी इनको अपन हार्ड मिनरल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो वेदरिंग जो इजी मिनरल होते हैं या इजीली वेदरेबल होते हैं, इनकी वेदरिंग क्या होती है वेरी फास्ट होती है। वहीं पे जो हार्ड वेदरेबल या लॉन्ग टाइम जो कंज्यूम करते हैं, इनकी वेदरिंग क्या होती है स्लो वेदरिंग होती है। तो अपन बोल सकते हैं कि फास्ट वेदरेबल मिनरल इजी मिनरल होते हैं, जबकि स्लो वेदरेबल हार्ड मिनरल होते हैं। देखो अपन बात करते हैं किसी भी पत्थर की बात करें, तो जो सॉफ्ट पत्थर होगा वो आसानी से टूट जाता है, जबकि हार्ड होता है उसके लिए प्रेशर भी क्या होता है ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो अपन बोल सकते हैं कि जैसे जैसे मिनरल की हार्डनेस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसको वेदरिंग में क्या होगा ज़्यादा समय लगेगा, या उसकी वेदरिंग की प्रोसेस स्लो होती चली जाती है। तो अपन बात करते हैं जो इजी वेदरेबल मिनरल है कौन कौन से होते हैं। इजी वेदरेबल में आता है अपने पास में कैल्साइट आ गया, इसके अलावा जिप्सम आ गया अपने पास में, इसके अलावा ऑलिवाइन आ गया अपने पास में, इसके अलावा अगर अपन बात करें तो बायोटाइट आ गया। तो ये सारे मिनरल कैसे हो गए इजी वेदरेबल या सॉफ्ट या वेरी फास्ट वेदरेबल मिनरल हो गए। कौन कौन से हो गए, कैल्साइट हो गया, जिप्सम हो गया, इसके अलावा ओलिवाइन हो गया, बायोटाइट हो गया। वहीं पे मॉडरेट की बात करें, तो ये क्या होते हैं इजी और हार्ड वेदरेबल के बीच के होते हैं, यानी इनको वेदरिंग में क्या होता है टाइम ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू इजी वेदरेबल। वहीं पे लॉन्ग वेदरेबल या फिर स्लो वेदरेबल के कंपेयर में कम टाइम लगता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आ गया अपने पास में एपेटाइट, जो फॉस्फोरस का मेन सोर्स होता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो मस्कोवाइट हो गया। अब अपन बात करते हैं हार्ड मिनरल या लॉन्ग टाइम या फिर स्लो वेदरेबल, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एग्जाम्पल आता है क्वार्ट्ज का, जिसका फॉर्मूला होता है SiO2। क्वार्ट्ज एक मेजर मिनरल माना जाता है जो हार्ड मिनरल होता है, जिसकी वेदरिंग में क्या होता है बहुत ज्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कि ऐसे मिनरल जो लॉन्ग टाइम में या स्लो वेदर्ड मिनरल होते हैं, उनकी वेदरिंग में ज़्यादा समय तो लगता ही है। इसके साथ साथ अपन ये भी बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा समय या जितना मिनरल हार्ड होते जाएंगे, उनका वेदरिंग इंडेक्स भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे मिनरल की हार्डनेस बढ़ती जाएगी, यानी हार्ड मिनरल का वेदरिंग इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है, वहीं पे जो इजी वेदरेबल या वेरी फास्ट वेदरेबल होती है, इनकी जो वेदरिंग इंडेक्स होता है ये कम होता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करें, तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होता है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी के बेसिस पे दो टाइप के मिनरल होते हैं, कौन से, असेंशियल एंड एसेसरी। देखो असेंशियल मिनरल ऐसे मिनरल होते हैं
जो नेसेसरी होते हैं, जबकि एसेसरी मिनरल ऐसे मिनरल होते हैं जो नेसेसरी तो नहीं होते हैं, लेकिन अगर ये प्रेजेंट हो तो प्लांट की हेल्प अच्छे से हो जाएगी। ये अपन बात करते हैं हेल्पफुल मिनरल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करते हैं मोबाइल फोन के लिए, तो यहाँ पे मोबाइल एक असेंशियल कमोडिटी है, वहीं पे चार्जर और ईयरफोन उसकी एसेसरीज है। यानी चार्जर और ईयरफोन उस मोबाइल की हेल्प करते हैं, बिना मोबाइल के कभी काम नहीं चल सकता, लेकिन चार्जर ईयरफोन के बिना भी आप काम चला सकते हो, थोड़े समय के लिए तो कम से कम चला ही सकते हो। तो अपन बोल सकते हैं कि असेंशियल मिनरल हमेशा नेसेसरी मिनरल होते हैं, इनका तो होना जरूरी होता है। असेंशियल मिनरल क्या होते हैं, मेजर पार्ट बनाते हैं, 95 to 98% पार्ट बनाते हैं, वहीं पे एसेसरी मिनरल क्या होते हैं, 2 to 5% पार्ट बनाते हैं। जो असेंशियल मिनरल होते हैं ये प्लांट को क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। देखो प्लांट के अगर सपोर्ट मिलेगा तभी क्या होंगे, एसेसरी मिनरल की क्या होगी, इम्पोर्टेंस होगी। अदरवाइज अगर प्लांट को सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है तो एसेसरी मिनरल्स की इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता। जबकि जो एसेसरी मिनरल्स होते हैं प्लांट की हेल्प करते हैं बाई न्यूट्रेंट सप्लाई। तो अपन बात करते हैं, देखो असेंशियल मिनरल है अपने पास में, जैसे कैल्साइट हो गया, या अपन बात कर सकते हैं सिलिकेट क्ले हो गया। वहीं पे अगर अपन बात करें एसेसरी मिनरल, तो एसेसरी मिनरल हो गया आपके पास में एपेटाइट हो गया, फेल्सपार हो गया। देखो एपेटाइट फॉस्फोरस प्रोवाइड करता है, फेल्सपार पोटेशियम प्रोवाइड करता है। यहाँ पे देखो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे असेंशियल मिनरल सिलिकेट के लिए। इसके बाद में देखो अगर फॉस्फोरस नहीं होगा तो भी प्लांट की ग्रोथ कुछ कम होगी, लेकिन ग्रोथ तो होगी, लेकिन क्या असेंशियल मिनरल ना होगा या सिलिकेट के लिए नहीं होंगे तो प्लांट को सपोर्ट ही नहीं मिलेगा, तो प्लांट इन न्यूट्रेंट का करेगा क्या। तो अपन बोल सकते हैं कि असेंशियल मिनरल मेजर पार्ट बनाते हैं जो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, वहीं पे एसेसरी मिनरल प्लांट की हेल्प करते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन सप्लाई और अदर पर्पज के लिए। असेंशियल मिनरल की कैटेगरी में कैल्साइट और सिलिकेट के लिए आते हैं। वहीं पे अपन बात करें एसेसरी, तो एसेसरी में आते हैं आपके पास में, फॉर एग्जाम्पल आपने बात कर ली एपेटाइट हो गया, ऑर्थोक्लेज हो गया, जो पोटेशियम का एक सोर्स है। यहाँ तक आपके मिनरल का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अपना कंपोनेंट लेंगे आपका ऑर्गेनिक मैटर, जो नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे। थैंक यू।